सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप कूल 8-bit फोटो कैसे बना सकते हैं। किसी भी फोटो को आप डायरेक्ट कैमरे से कैप्चर करके या फिर आप गैलरी से कोई भी इमेज चूज करके, तो चलिए जानते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, 8-bit फोटो लैब नाम का। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है यह ऐप। ओपन करने के बाद हमें गैलरी में क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो कैमरे से भी डायरेक्ट कैप्चर करके बना सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले मैं चूज़ कर लेता हूँ फोटोज, एक सेकेंड गैलरी से। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो इसमें से इस डॉग की इमेज को चूज़ करते हैं और देखते हैं किस तरह की इमेज बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं डॉग की इमेज है, एक सेकेंड। ये रही डॉग की इमेज और इसको 8-bit की इमेज बनाई तो कुछ इस तरह की बन गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग किस तरह से इस ऐप को यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये स्टार का आइकॉन बना है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहचान का ऑप्शन मिल जाएगा, कौन से पहचान में चाहिए ये आप देख सकते हैं। रंग बिरंगे हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे। ये आप देख सकते हैं इफेक्ट्स हैं। और ज़्यादा ऑप्शंस आपको चाहिए तो इस ऐप को आपको बाय करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूँ सबसे बढ़िया यही है कस्टम, जो डिफॉल्ट में आता है। और यहाँ पे बगल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिजोल्यूशन का। इसको अगर आप और ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है बाय करने के लिए और आप इसे फ्री में चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अगर फ्री में मिल जाए तो अच्छी बात है। इसका मोड वर्जन तो रिजोल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसका रिजोल्यूशन जितना बढ़ेगा उतनी इमेज की क्वालिटी बढ़ेगी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने बढ़ाया तो ये और हाई क्वालिटी की हो गई, इमेज डिटेल्स और ज़्यादा आ गई। तो ये होता है इसके रिजोल्यूशन से। और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कौन से कलर में आप ये इमेज चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये ऑप्शन स्मूथ चाहिए या कौन सी, यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, एक सेकेंड, ये रही हमारी इमेज। तो चलिए मैं कुछ और इमेजेस आपको दिखा देता हूँ किस तरह की इमेज इससे बनेगी और सेव कैसे करना है, ये दो बातें बता देता हूँ। बाकी सब एडिटिंग कैसे करनी है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रही हमारी इमेज, कुछ इस तरह की हो गई और ये इमेज इस तरह की हो गई। और इसके ओरिजिनल देखने का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं भी आपको ओरिजिनल इमेज नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की इमेज आप इससे बना सकते हैं ओरिजिनल इमेज की। कुछ इस तरह की इमेजेस आप बना सकते हैं इस ऐप की मदद से ओरिजिनल इमेज से, और अपनी इमेज भी बना सकते हैं आप एडिट करके। अगर आप इस तरह की इमेजेस बनाना चाहते हैं तो इस ऐप का यूज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 8-bit की इमेजेस। और अब मैं आपको बता देता हूँ इमेज सेव करनी है तो कैसे करेंगे। ये है आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसको सेव करना है तो ये आप देख सकते हैं सेव का आइकॉन बना है, इसमें हमें क्लिक कर देना है एक बार और ये सेव हो जाएगी और आपको गैलरी में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक आधी इमेजेस अब अलग से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार और, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड, एक सेकेंड। यहाँ पर नहीं है अच्छी, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ
जैसे मान लीजिए ये इमेज है, इसे हमने सेलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम कार्टून बन गई है इमेज। इस तरह की इमेजेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है और आपको ये अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह की इमेजेस बनाना चाहते हैं अपनी ओरिजिनल इमेजेस से। तो एक इमेज और दिखा देता हूँ बस, और मैं आपको बता दूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको एक इमेज और दिखा देता हूँ, जैसे ये लायन की इमेज है आप देख सकते हैं, ये अच्छे से बन नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने सब बिगाड़ दिए सेटिंग, ये सब को मुझे सुधारना पड़ेगा। इसको एक सेकेंड में इसको री ओपन करता हूँ ऐप को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियर डाटा करने से मैंने ट्राई किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप एक बार सेटिंग थोड़ा बिगाड़ देते हैं तो आपको दोबारा ये यहाँ से देखना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ से मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप बिगाड़ देते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से क्या करना है, नहीं तो फिर फोटो शायद अच्छे से ना आएगी। आप देख सकते हैं अब एकदम सही आ रही है, एकदम सही कलर है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कलर बिगाड़ दें तो दोबारा में यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग, यहाँ देख सकते हैं इस तरह की इमेज बन गई है। देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड ये प्रो है, ये अब आप देख सकते हैं सही है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ऐप को, अभी आपने देखा होगा मेरे सामने मैंने इसकी सेटिंग आपको दिखाने के लिए यहाँ से सभी इधर उधर कर दी थी ऐसे ऐसे, तो ये इसीलिए थोड़ी बिगड़ गई है। डिफॉल्ट सेटिंग में अगर आप एडिट करेंगे फोटोज, मतलब वो बनाएंगे आप 8 बिट की इमेज किसी भी इमेज की, तो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो मुझे बस इस वीडियो में यही बताना था, मेरे हिसाब से आपको एक बार ये ऐप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा ये वीडियो, मैं 100% आपको कह सकता हूँ। अगर आपको इस तरह की इमेजेस पसंद हैं और आप इस ऐप को एक बार ट्राई करेंगे अपनी ओरिजिनल इमेजेस के साथ एडिट करके इस तरह की इमेजेस बनाएंगे तो आपको ये ऐप 100% अच्छा लगेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।